बाप से बात कर। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार तरीके से पूरे 5 दिन कंप्लीट करके आज छठवें दिन में एंट्री मार ली है और रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस जैसे पहले 5 दिन में किया सेम एटीट्यूड में आज भी आगे बढ़ रही है। हालांकि दोस्तों पिछले 2 दिनों से इंडिया और पाकिस्तान मैच की वजह से मूवी की ग्रोथ में बहुत डिप देखने को मिला, लेकिन आज अभी से फिर खुला मैदान मिल चुका है और जिस हिसाब से आज इसकी मॉर्निंग से ही ऑक्यूपेंसी है, एडवांस में जो बुकिंग है वो साफ ऐलान कर रही है कि मूवी अब फाड़ने वाली है। तो आज बात करेंगे आज तक जवान ने कितनी कमाई कर ली है, आज छठवें दिन में कैसी ग्रोथ चल रही है, कल का दिन कैसा रहा मूवी का, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी कितना कर सकती है और अभी तक कौन कौन सी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड जवान तोड़ चुकी है, सब जानेंगे एक एक करके और डिटेल टू डिटेल चर्चा करके। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना अगर आप भी जवान मूवी से रिलेटेड लगातार अपडेट चाहते हैं और SRK के डाई हार्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जवान को पूरी दुनिया में पहले दिन 10,500 स्क्रीन्स पर रिलीज कराया गया था, जिसको साउथ के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर अटली कुमार ने डायरेक्शन दिया था। मूवी को लगभग 300 करोड़ के खर्चे में कंप्लीट कराया गया था, जिसके मेन लीड पर आपको शाहरुख खान देखने को मिलेंगे और SRK के मल्टीपल्स रोल भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग, सेकेंड लीड में नयनतारा भी देखने को मिलेंगे, जो कंधे से कंधा मिलाकर शाहरुख खान का भरपूर साथ दिया है, सुपर अमेजिंग। उसके बाद दीपिका का जबरदस्त कैमियो भी देखने को मिलेगा, उसके बाद प्रिया मणि और सानिया मल्होत्रा ने भी जबरदस्त किरदार निभाया है और विलेन के रूप में हमें सुपर टैलेंटेड वर्सिटाइल एक्टर विजय सेतुपति देखने को मिलेंगे, जिन्होंने एज नेगेटिव कैरेक्टर आग लगा दी। दोस्तों मूवी का कंटेंट फुल ग्रैंड एक्शनल क्राइम थ्रिलर मूवी वाला है, जिसमें आपको कहीं से कहीं तक जरा भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसी के साथ स्टोरी में सोशियो पॉलिटिकल मुद्दों डालकर इंडिया में चल रही रॉ प्रॉब्लम्स पर भी जोर दिया गया है, उन्हें जनता के सामने रखा गया है, करप्शन और को कैसे दबाया जाता है इस पर भी बात करी गई है। तो कुल मिला के एक ही कंटेंट में हमें मांस मसाला तड़का और ढेर सारा एंटरटेनमेंट मिल गया है। डायरेक्शन इज सुपर अमेजिंग, बाय गॉड मैं फिर कह रहा हूं अटली ना होता तो शायद जवान ऐसी ना बन पाती, क्योंकि मांस मसाला एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी तो हम काफी समय से लंबे समय से देखते आ रहे हैं, पर जवान जैसी मांस मसाला मूवी नहीं देखी हमने। इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे और डायरेक्शन बाय अटली कुमारी सुपर फैंटास्टिक, अगेन आई सेड बहुत जबरदस्त काम किया है। हां साउथ का डायरेक्टर है तो साउथ का थोड़ा तड़का तो देखने को मिलेगा, थोड़ा नहीं काफी तड़का देखने को मिलेगा और वही मजेदार भी लगा। मूवी को एज पैन इंडिया रिलीज कराया गया है और मूवी ने पहले ही दिन से धमाका काट के रखा है आज अपने छठे दिन तक। तो अब बात करते हैं पहले दिन से ही क्या धूम मचाई है मूवी ने आज छठवें दिन तक। फर्स्ट डे ह्यूज कलेक्शन किया एंड मेक्स हिस्ट्री, हिंदी से 65.5 करोड़ का कलेक्शन किया और तमिल और तेलुगु से हिंदी तीनों लैंग्वेज को मिलाकर फर्स्ट डे नेट कलेक्शन 74.5 करोड़ टच किया था। इसी के साथ इस साल की जाइंट फिल्म पठान के डेवन के रिकॉर्ड को खदेड़ा, साथ में हिंदी से डेवन के KGF 2 को भी खदेड़ा, बाहुबली 2 को भी खदेड़ा और RRR को तो रौंद के रख दिया। तो हिंदी में नंबर 1 पर जवान आ चुकी थी अपने फर्स्ट डे पे ही। तो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फर्स्ट डे कितना रहा, 130 करोड़ के आसपास। बात करें सेकंड डे में कैसी ग्रोथ थी, फ्राइडे वर्किंग डे होने के बाद भी अपने सेकंड डे में तीनों लैंग्वेज का कलेक्शन मिलाकर नेट इंडिया से 55 करोड़ के आसपास टच किया था, ग्रॉस कलेक्शन 70 करोड़ के आसपास टच किया था और पूरी दुनिया से सेकंड डे पे 107 करोड़ के आंकड़े को टच करने में सफल रही थी मूवी। बात करें फर्स्ट सैटरडे यानी डे 3 में कैसी ग्रोथ रही, दोस्तों अमेजिंग ग्रोथ रही, सिर्फ हिंदी से 68 करोड़ के आंकड़े को टच किया है मूवी ने। तो इसी के साथ पहले 3 दिन का नेट कलेक्शन 180 करोड़ के टच कर लिया था। इसी के साथ पूरी दुनिया से डे 3 में 144 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था, जो कि ह्यूज कलेक्शन है। इसको अभी तक किसी ने बीट डाउन नहीं कर पाया है, ना जवान ने खुद ही इसको बीट डाउन नहीं कर पाई। उम्मीद थी कि 144 करोड़ का जो फुल डे का आंकड़ा था सैटरडे का तीसरे दिन का, वो संडे में बीट डाउन हो जाएगा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से ये कहीं ना कहीं पीछे रह गया। इसी के साथ पहले 3 दिन का कलेक्शन पूरी दुनिया से 385 करोड़ के आसपास रहा था। जी हां दोस्तों, इंडिया सहित पूरी दुनिया में हाउसफुल का बैनर लगाकर जवान लगातार आगे बढ़ते जा रही है और गदर 2 के फर्स्ट वीक कलेक्शन को अपने 3 ही दिनों में बीट डाउन कर दिया था। बात करें डे 4 यानी फर्स्ट संडे में कैसी ग्रोथ रही, तो भाई साहब संडे तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ी मूवी। मॉर्निंग से ही हाउसफुल सोच के साथ फुल डे 80% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट के साथ मूवी ने देश के कोने कोने के सिनेमाघर में ट्रेंड किया है। जहां दोस्तों हिंदी से डे 4 में अपने फर्स्ट संडे में एंड ऑफ द डे तक 71 करोड़ की कमाई सिर्फ हिंदी से किया है। इसी के साथ पूरी दुनिया से संडे एंड ऑफ द डे तक 135 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आई। इसी के साथ पहले 4 दिन में पूरी दुनिया से 520 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था मूवी ने और फास्टेस्ट पहले 4 दिन में ही हिंदी सिनेमा की नंबर 1 मूवी बनी, जिसने
520 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी। दोस्तों अपनी ही फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को सिर्फ 4 दिन में ही बीट डाउन कर दिया मूवी ने, SRK ने जवान मूवी के साथ। इसी के साथ बॉलीवुड की तमाम बड़ी बड़ी फिल्मों को भी ढेर कर दिया। बात करें कल्याणी D5 में कैसी ग्रोथ थी, भाई साहब कल दिन भर शानदार क्राउड देखने को मिला थिएटर हाउस में, लेकिन फिर कल इंडिया पाकिस्तान के मैच होने के कारण इवनिंग से ग्रोथ में डाउन देखने को मिला। हालांकि कल इवनिंग टू नाइट तक कई जगह हाउसफुल शोज भी चल रहे थे, तो कल एंड ऑफ द डे तक हिंदी से 28 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आई मूवी और नेट इंडियन कलेक्शन से तीनों लैंग्वेज को मिलाकर लगभग 31 करोड़ के आंकड़े को देखने को मिला। इसी के साथ पूरी दुनिया से कल मूवी ने अच्छी खासी ग्रोथ करी, लगभग 60 करोड़ के आसपास टच किया पूरी दुनिया से। दोस्तों D5 यानी कल की रिपोर्ट अभी फ्लेक्सिबल है, ऑफिशियली जब मेकर्स की तरफ से अपलोड हो जाएगा ये रिपोर्ट पूरा, तो अलग से ऑफिशियल डेटा के साथ सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी इस पे पूरे D5 को कवर अप करके। लेकिन ये आंकड़े अभी ट्रस्टेड सोर्सेज से लिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हैं, वही हैं हवा हवा में। बात करें आज यानी 6वें दिन में कैसी ग्रोथ है, तो यस आज भी ट्यूसडे वर्किंग डे है, लेकिन कल जैसी ग्रोथ स्लो नहीं है। आज फुल डे ओवरऑल 30-35% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी इवनिंग और नाइट में आज भी हाउसफुल बैनर के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। तो आज एडवांस से 5.5 करोड़ का कलेक्शन रखते हुए मूवी एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 29-30 करोड़ तक को देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ पहले 5 दिन में ही आज एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट कलेक्शन से 340 करोड़ के क्लब में एंट्री मान लेगी मूवी और पूरी दुनिया से आज भी एंड ऑफ द डे तक लगभग 60-65 करोड़ का कलेक्शन करते नजर आ रही है और पहले 5 दिन में ही पूरी दुनिया से आज ये 640 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। तो मे बी ये आंकड़ा 650 करोड़ का भी हो सकता है या हिट कर जाए, क्योंकि D5 की ऑफिशियल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, अगर आ गई तो शायद उछाल देखने को मिल सकता है। इसी के साथ जवान बहुत कम समय में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी, 200 करोड़ के, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ और 600 करोड़, अब 700 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने जा रही है अगले 2 दिन में ही और अभी तक बिगेस्ट ग्रॉसर बनकर उभर रही है मूवी। इसी के साथ जवान आने वाले 3 दिन में ही सैटरडे तक 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी। इसी के साथ पठान के तो सारे रिकॉर्ड जवान ने तोड़ ही दिए हैं, साथ ही साथ बाहुबली और KGF 2 और RRR के भी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए हैं हिंदी कलेक्शन के मामले में और इंडियन कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ टाइगर जिंदा है, दंगल, सुल्तान, बजरंगी भाईजान का भी पर डे नेट इंडियन कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ा, हिंदी कलेक्शन रिकॉर्ड को तोड़ा और इनमें से एक आध फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को भी एक आध दिन में तोड़ देगी। तो अब आप लोग बताएंगे ऐसे में जवान टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन में कितनी कमाई कर सकती है, क्या 1500 करोड़ के आंकड़े को टच कर पाएगी या 1800 करोड़ पहुंच सकता है? तो जिस हिसाब की ग्रोथ है डेफिनेटली कर सकती है। इसी के साथ अभी आप लोग बताएंगे कि क्या जवान 10 ही दिन में 1000 करोड़ टच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या सैटरडे तक ही 1000 करोड़ कंप्लीट कर जाएगी, क्या अपने 10 ही दिनों में पठान के 1000 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन को खदेड़ पाएगी, या संडे एंड होते होते पठान का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ को खदेड़ देगी? सारा कुछ आपके हिसाब से अपनी राय फटाफट कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।